बिहार के व्यापारी एक हो, एक हो, एक हो। बिहार के व्यापारी एक हो, एक हो, एक हो। बिहार के व्यापारी एक हो, एक हो, एक हो। व्यापारी एकता जिंदाबाद। हल्का हल्का एकदम हल्का हल्के थोड़ा और पीछे आ जाइए, थोड़ा और पीछे। जी वोट जस्टिस, पूरा वाइट बराबर पीछे 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 चाहिए। देखिए, ये बताने की ज़रूरत नहीं जिस प्रकार से अपराध जो है चरम सीमा पर है और जिस प्रकार से गुंजन खेमका की हत्या की गई, उसके अगले दिन भी कई एक आध मर्डर हुए हैं, कई कॉन्ट्रैक्टरों के मर्डर हुए हैं, चाहे मुजफ्फरपुर हो, दरभंगा हो या बिहार के अन्य जिलों में अगर आपने देखा हो। आज हम यहाँ इस कैंडल मार्च में जो आपका गुंजन खेमका है उसको जस्टिस दिलाने के लिए आज हम लोगों ने मार्च करने का काम किया है, उसके हत्यारे पकड़े जाए उसके लिए हम लोगों ने मार्च किया है। और हम बता दें कि यहाँ हम एक राजनेता के हिसाब से हम यहाँ नहीं आए हैं, हम एक बिहार ही होने के नाते, एक इस प्रदेश के नागरिक होने के नाते, जहाँ हमारा राज्य सुरक्षित नहीं है उसके लिए हम यहाँ हैं। एक इंडिविजुअल कैपेसिटी पे हम इस यहाँ पर पहुँचने का हम काम किए हैं और हम चाहेंगे कि सरकार गंभीर हो और अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने का काम करे। लेकिन शर्म की बात ये आती है, जब हम लोग शर्मिंदा होते हैं, इस राज्य का उप मुख्यमंत्री जब हाथ जोड़ करके अपराधियों के सामने गिड़गिड़ाने का काम करता है कि पितृपक्ष का महीना है और अभी छोड़ दीजिए, कानून का हाथ या सरकार का हाथ तब उठना चाहिए, हाथ जोड़ने के लिए नहीं, विनती के लिए नहीं, अपराधियों के लिए, उनको गिरफ्तार करने के लिए, उनको सज़ा दिलाने के लिए सरकार का हाथ उठना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री की चुप्पी, इतना लॉ एंड ऑर्डर अगर गड़बड़ा गया है पूरी तरीके से बिहार का और उनकी चुप्पी नहीं टूट रही है, ये बेहद ही बेहद शर्मिंदगी वाली बात है जो उनकी बात को उठाना चाहिए।